को होना लक्ष्मी का यादगार, वैष्णवी की यादगार और सदर्शन चक्र ओमनाथ सरस्वती का यादगार और कमल है जो जगदम्बा का यादगार और गदा है ब्रह्मा का यादगार। वो शंख और ये चक्र दोनों ऊपर दिखाया था, लेकिन सदर्शन चक्र की बात आती है 76 के बाद जब बाप आकर सच्ची ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन मम्मा ने उसके पहले ही शरीर छोड़ दिया। ऐसा तो सदर्शन चक्र मम्मा का लागू करना में क्या विद्या की देवी कौन है? विद्या का देवता नहीं है, विद्या की देवी है। बाप भी समझाते हैं कि कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि पुरुष अपनी विकृति को छुपाए नहीं पाते, रोक नहीं पाते, इसलिए पुरुषों को सड़क का गेट खोलने के लिए भी मनाई कर दी। कन्याएं माताएं सड़क का गेट खोलेंगे, तो जो ज्ञान चक्र का बीज है वो क्या है? ज्ञान चक्र का बीज जगदम्बा है, माता जितना जितना हम देवभान में रहेंगे तो ज्ञान चक्र घूमेगा, या आत्माभिमानी बनेंगे तो ज्ञान चक्र जाति घूमेगा। बात पक्की हो गई कि आत्मिक स्थिति में हम जितना जाति टिकेंगे तो आत्मा के अनेक जन्मों की स्मृति जरूर आ देगी। और आत्मा ज्योति बिंदु है, ये बात शास्त्रों में भी बताई, अणोणीयान सम्मन स्मरेत यह, आत्मा अणु रूप है, चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है, तो विद्या की देवी सरस्वती ने ये बात नहीं बताई, तो शास्त्र में पहले से ही था क्या? आत्मा ज्योति बिंदु है, अणु है, विस्तार है, लेकिन मुरलियों में जो ज्ञान आया है कि आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा क्या है, कैसा है, बीज को बाप कहा जाता है, और ये ज्ञान का बीज बोने वाला बिंदु बिंदु आत्माओं को आत्मिक स्मृति कराने वाला बाप है या शास्त्र है या जगदम्बा है या सरस्वती है, है? बाप। लेकिन बाप तो बिंदु है। जो बाप ने ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियां चलाई उन मुरलियों में जो बाप ने तो नहीं बोला कि मैं बिंदु हूं,
ये ज्ञान किसने दिया? पहले पहले जगदम्बा ने दिया, ये चक्र चल गया। ज्ञान का बीज है कि आत्माएं ज्योति बिंदु है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी का बाप किसी जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा, तो बिंदी आत्मा का बाप बिंदी जैसा। ये बात और कोई की बुद्धि में तो नहीं आई? तो ये ज्ञान का जो बीज रूप चक्र है वो किसने शुरू किया? जगदम्बा के द्वारा। ये चक्र वैसे भी बेसिक नॉलेज मम्मा बाबा के जीवन काल में जो भी चली, जो भी वेदवाणी निकली, उसका मनन चिंतन मंथन सबसे जास्ती किसने किया है? मम्मा ने किया। भले और कोई बातें नहीं न निकाली हूं और कोई मक्खन न निकाला हो, लेकिन जो शाश्वत मक्खन है, सार है, जो अंत तक रहेगा, सारे ज्ञान का विस्तार उड़ जाएगा अंत में, क्या रह जाएगा? बिंदु रह जाएगा। जो आत्मा इस बात के लिए निमित्त बनी, उसी आत्मा के हाथ में वो सुदर्शन चक्र दिखाया गया। और अनुभव करके देखा जाए, हाँ, अमृत देने से उठ करके और रात के सोने तक कोई एक दिन खास एक्सपेरिमेंट करने के लिए निश्चित कर ले, अमृत देने जिस दिन बिंदु की तेज जाति बनेगी, सारा दिन ज्ञान का विस्तार सतही होता रहेगा। बिंदु की तेज में टिकने में मेहनत है, विस्तार में जाने की मेहनत नहीं है। आत्मा को 84 जन्मों में नीचे उतरने का और विस्तार में जाने का, अनेक जन्मों के विस्तार में जाने का अभ्यास स्वतः ही पड़ा हुआ। लेकिन विस्तार से ये शरीर है विस्तार और आत्मा है विस्तार, इस विस्तार रूपी दुम्ब को समेट करके बिंदु रूप सार बनने में, नीचे की तेज से ऊपर जाने में अभी कितनी मेहनत भागती है। बाकी ज्ञान बड़ा सहज है, बहुत शुद्ध प्यार और अशुद्ध प्यार दोनों का है, शुद्ध प्यार और अशुद्ध प्यार। तो अशुद्ध प्यार तो है भ्रष्टाचार का प्यार, तो अशुद्ध प्यार है। शुद्ध प्यार तो अब बाप सिखलाते हैं, जो आत्मा रूहानी के साथ जो प्यार होना वही शुद्ध प्यार अब बाप सिखाते हैं। अशुद्ध प्यार माना देह की तरफ, तो वहाँ पर हम कलयुग में अशुद्ध प्यार होती है, लेकिन सच्चिद्रेता में भी
देह का माना नयनों की प्यार होती है और बाहों को प्यार होती है। ठीक है, प्यार आत्मा आत्मा भाई भाई का प्यार ऊंचे से ऊंचा प्यार है, और वो बाप ही सिखाते हैं जो ऊंच से ऊंच बाप है। लेकिन प्यार या स्नेह देह के बगैर साबित हुआ क्या? तो आत्मिक प्यार की सौ % जो स्थिति है उसमें जाने के लिए हमको परम धाम पहुंचना जरूरी है, या यूं कहें कि परम धाम इस सृष्टि पर उतर आता है। तब कहेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई का प्यार, एक बात दूसरा न कोई। लेकिन बाप के घर से जैसे ही आत्मा नीचे उतर तो नीचे शक्ति पर आने के बाद है तो धारण करती है, लेकिन बताया है कि दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। उसमें दो अवस्थाएं हैं सुखदायी, सतो प्रधान और सतो सामान्य, और दो अवस्थाएं हैं दुखदायी, रजो और तमो। ऐसे ही जो देवात्माएं सतो प्रधान और सतो सामान्य शक्ति में उतरती है उन्हें दो अवस्थाओं से पता होती है, और वो श्रेष्ठ अवस्थाएं हैं। देह का प्यार होते हुए भी दुखदायी से नहीं है, इसलिए उसको श्रेष्ठ शुद्ध प्यार कहेंगे या अशुद्ध कहेंगे? शुद्ध है। और जब द्वापर शुरू होता है अशुद्ध प्यार शुरू होगा। आत्म की स्थिति की कोटि 50% से नीचे चली जाती, देवान का पलड़ा भारी हो जाता और आत्माभिमान का पलड़ा ऊंचा हो जाता, हल्का हो जाता, और यहीं से रजो प्रधान का चीज से शुरू हो जाती है, दुख की शुरुआत हो जाती है, दुख कम रह जाता है और दुख ज्यादा हो जाता है। ये ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का प्यार टोटली बुरी चीज है, बाप भी सच्ची पर आते हैं तो बच्चों को दृष्टि देते हैं या नहीं देते? ये दृष्टि देने के लिए देह की आंखों का आधार क्यों लेते हैं?
अगर देह नित्यत्व है तो देह का आधार क्यों लिया? देवताओं का भी प्यार होता है, जिन्हें देवता 16 कला संकुल कहा जाता है, उनका भी दृष्टि का प्यार होता है। लेकिन उनके प्यार में और परमात्मा प्यार में बहुत भारी अंतर है। दृष्टि परमात्मा बाप भी देता है बच्चों को, और राधा कृष्ण भी एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन क्या अंतर है? क्यों? क्योंकि बाप दृष्टि देते हुए भी दृष्टि के लगाव में नहीं आता है, और मनुष्य आत्मा चाहे वो देव आत्मा ही क्यों न हो, उनको दृष्टि का संग का रंग जरूर लगता है। ये देवताएं भी दृष्टि लेते देते सतयुग में 8 जन्म लेते लेते 2 कलाएं छीन कर देती है। बाप तो पति तन में आता है और पति इंद्रियों के द्वारा संसर्ग संपर्क संबंध में आता है, फिर भी आत्मिक स्टेज में रहता है, कभी भी देवान में नहीं आता है। और हम बच्चे तो भारी अंतर है। और में कौन सी एकादशी प्रसिद्ध है? जब उसको पक्का ज्ञान मिलता है, एडवांस ज्ञान मिलता है, वो वैकुंठ की शुरुआत होती है। कौन सी आत्मा है वो? पहली आत्मा कौन है? बाप तो संकेत करके आया है, तो वैकुंठ में ना
बाप तो माँ के रूप में 45 से भी आया, सन सत्य समय भी आया, भले किस रूप में भी आया, लेकिन बैकुंठ तो नहीं बना। वो कौन सी आत्मा है जिसके एडवांस में आने मात्र से ही बैकुंठ बन जाता है? और जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी नाम कौन सा प्रदेश है जहाँ लक्ष्मी नाम ज्यादा रखा जाता है? कोई दूसरा प्रदेश हो जहाँ लक्ष्मी नाम के बहुत ज्यादा होते हो तो बताओ। आंध्रा से ज्यादा और कोई प्रदेश ऐसा नहीं है इंडिया में, लेकिन आंध्रा में लक्ष्मी नाम के ढेर के ढेर। और आंध्र को सबसे जास्ती सागर के नजदीक वाला स्टेट कहेंगे या दूर वाला स्टेट कहेंगे? सबसे लंबा किनारा सागर का कौन से प्रदेश को टच करता है? आंध्र प्रदेश को टच करता है। माना ज्ञान सागर का जो कनेक्शन है बुद्धि का, वो सबसे ज्यादा कौन से प्रदेश के साथ है? आंध्र के साथ। फिर भी आंध्र को आंध्र नाम क्यों दिया? दो जरा नाम क्यों नहीं दिया? ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? पढ़ना है कि पढ़ा हुआ है? अरे लक्ष्मी का पाठधारी जो आत्मा है वो अंधेरे में है या सोझने में है? अंधेरे में। इसलिए वो आत्मा जब व्रत लेती है पक्का, कौन सा व्रत? सन्यासियों वाला व्रत नहीं, व्रतियों वाला पक्का व्रत लेती है। हम साथ में रहेंगे, फिर भी विकारों पर विजय पाकर भी रहेंगे। विकारों में बुद्धि रमण नहीं करेगी। ऐसा जब एकादशी व्रत ले लेती है एडवांस ज्ञान में आने के बाद, क्योंकि बेसिक ज्ञान जो है वो निवृत्ति मार्ग वालों का है, सन्यासियों का है या प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वहां वो सब सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग वाले? सब सन्यासी। और सन्यासियों को बाबा ने कहा कुंभकर्ण,
सोए हुए हैं या अंधेरे में हैं, बात एक ही हो जाती। तो अभी से प्रश्न का जवाब आया कि बैकुंठ की एकादशी और स्टेट में नहीं मनाई जाती। कौन से स्टेट में विशेष मनाई जाती है? आंध्र में मनाई जाती। जो ब्रह्मा को खाने करने वाले ब्रह्मा जैसे शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर लेते हैं, जो ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं अभी भी के शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ भी जो एडवांस नॉलेज में जो भक्ति को छोड़ते नहीं वो शरीर छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे, और वो गर्भ जेल में आकर और फिर जन्म लेंगे। इस दोनों में कौन सी है कठिन पनिशमेंट है? माना तो विकार से जन्म लेना, जाना बिना शरीर और दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जैसे ब्रह्मा और मम्मा सहित सेवा कर रहे हैं, इस दोनों में तो पनिशमेंट क्या ज़्यादा पनिशमेंट क्या कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर लेना होता है यानी विकारों से जन्म लेना फिर शरीर छोड़कर। ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो बेसिक नॉलेज पूरा करती है और पक्का निश्चय बुद्धि बनती है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के कुलताप पर ऊंच के ऊंच सैंबल इसको मानती है। सैंबल माने जिसके समान हमें बनना है। बेसिक नॉलेज वाले ब्रह्मा को ऊंचे से ऊंचा सैंबल मानते हैं। उनका लक्ष्य है ब्रह्मा जैसा बनना, और जो एडवांस में है उनका लक्ष्य क्या है? बाप समान बन। तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आवेंगे। अगर कोई कमी रह जाती है तो बेसिक वाले भी नीचे गिरते हैं और एडवांस वाले भी वो भी नीचे गिरते। लेकिन नीचे गिरने के बावजूद भी या मान लो शरीर ही छोड़ देते हैं क्योंकि भक्ति के संस्कार जिनमें रह जाएंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर भी अंत में उनकी बुद्धि में ये रहता है कि हम दोबारा पुरुषार्थ करके इसी शरीर से जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिसको फॉलो करते हैं और ब्रह्मा को जिन्होंने फॉलो किया उनके भी कोई कोई धर्म आते हैं जो ब्रह्मा के होते हैं। तो एक है सूक्ष्म शरीर धारण करके फिर दूसरों में प्रवेश करके फिर एडवांस ज्ञान उठाते हैं, बाप को पहचानते हैं और अपनी स्टेज का पुरुषार्थ पूरा करती है।
तो कितना भी ऊंचा पुरुषार्थ करने वाली आत्मा क्यों न हो, जो बाप ने वैकुंठ स्थापन किया है उस वैकुंठ में आकर के अपने शरीर से सुख भोगेगी, अपने शरीर से सुख नहीं होगी। फिर भी जिन शरीर में प्रवेश करके उसने एडवांस ज्ञान लिया है उनके द्वारा सुख का अनुभव करे। जन्म फिर भी साकार शरीर से अगले जन्म में मिलेगा सचिव, बाप से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं करेगी। सत्यगुरु में जन्म लेकर जो प्राप्ति करेगी वो किससे प्राप्ति करेगी, जो बाप के बच्चे बने हैं उन बच्चों से प्राप्ति करेगी। अपने साकार माँ बाप से प्राप्ति करेगी। और यहाँ जो एडवांस ज्ञान लेते हैं वो हम शरीर भी छोड़ देंगे, अगला जन्म भी ले लेंगे तो भी प्राप्ति किससे करेंगे, डायरेक्ट बाप की प्राप्ति करने वाले। कौन सा पुरुषार्थ है तो हमारा तो हमारा ज्ञान तो है प्रवृत्ति मार्ग का, इसका मतलब ऐसा नहीं जब कुमार है तो कुमार जाकर शादी करो प्रवृत्ति बनाओ, इसका मतलब ऐसा नहीं, बाप ने स्पष्ट किया है। और जो कुमार इन कुमार उनको जो माता पिता ज्ञान में नहीं रहते हैं चलती है और तो उनको माता पिता भी नहीं है होती है मना वो मरते हैं उसको मना उस कुमार का जीवन को प्रवृत्ति का जीवन कहना सही है ना बाप, तो कुमार का प्रवृत्ति का जीवन कैसा होता है। जो एडवांस में आ गए मान लो संगम भी नारायण वाली ही आत्मा है, तो संगम युग में नारायण वाली आत्मा अपने को नया जन्म लेने वाली समझे या पुराना जन्म, नए जन्म में नए माँ बाप होते हैं या पुराने होते हैं, नए जन्म में नए बाप आप होने चाहिए। और जिन्होंने ये पक्का कर लिया कि हमको तो बेहद के माँ बाप मिल गए, बेहद का बाप मिल गया, बेहद का परिवार मिल गया, तो वो प्रवृत्ति मार्ग के हुए या निवृत्ति मार्ग के हुए। और ऐसी स्टेज में अगर वो शरीर छोड़ते भी हैं तो प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ करके शरीर छोड़ रहे हैं या निवृत्ति मार्ग की सन्यासी कहे जा रहे हैं। कुमारों को बहुत संकल्प आता है, घूम फिर के वो संकल्प आ जाता है क्या, अरे हाय हम तो निवृत्ति मार्ग वाले रह गए। लौकिक माँ बाप की बात ही नहीं आती, अगर एडवांस ज्ञान में पक्का है तो पुराना जीवन खत्म हो गया, पुराना जन्म नहीं रहा नया जन्म हो गया, नया परिवार हो गया, बेहद का प्रवृत्ति मार्ग हो गया,
तो इस दुनिया में तो 100% की प्यूरिटी धारण करने वाला सिर्फ एक है, उसके यादगार में हमको बर्फ नहीं दिखा है, 100% तो याद द्वारा ही इंद्रिया शीतल बनना है, ठाकरे का याद द्वारा इंद्रिया शीतल बनने के लिए या दृष्टांत है ना बस इंद्रिया बना और इसमें खास काम है इंद्रिया शीतल बनना और जिसके यादगार में हमको बर्फ लिंग दिखाया है और बर्फ लिंग और जो अष्टदेव में जो पहले नंबर के छोड़ के जो सात होते हैं वो भी उसी स्टेज को पा नहीं सकती है तो इसलिए उनको जरूर थोड़ा तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट होना चाहिए ना बस मतलब वो अष्टदेव पनिशमेंट से बस क्या सजा उनसे वो सुरक्षित होती है ना अष्टदेव लेकिन वो भी 100% पीरियड धारण नहीं कर सकते उन बाप के इतने ज्यादा प्यारे बच्चे होते हैं जो कभी भी बाप की लाल आंखें भी जीवन में नहीं देखी है और वो थोड़े समय के लिए बाप से बिछुड़ जावे कोई गलती करने के कारण तो उन्हें फीलिंग ज्यादा आएगी या कम आएगी कि हमने भूल कर दी जो बाप से भी छोड़ गए ज्यादा फीलिंग आएगी ऐसे ही अष्टदेव में से जो सात आत्माएं हैं वो अंतिम जन्म में बाप से भी छोड़ जाती है माया किसी को छोड़ती नहीं अभी तो संगम युग में बाप ने बोला कि वो बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते और बाप बच्चों के संबंध संपर्क संसर्ग बनाए बिना रह नहीं सकता लेकिन 5000 वर्ष के ड्रामा में ऐसा भी माया एक संयोग लाती है ड्रामा प्लान अनुसार उन्हें बिछोड़ना पड़ता है बाप के बगैर रहना पड़ता है और बाप को बच्चों के बगैर रहना पड़ता है तो क्या ये उनकी सजा नहीं है, है? ये भी सजा है और वो ऐसी कड़ी सजा उनको महसूस होती है जो वो सहन नहीं कर सकते और गायत्री स्त्री माना क्या अच्छा तीन गाय सही तो जो बहु है वो कितनी गौएं गाई हुई है बस तीन गौ पाई गाय में है टोटल कितनी गऊ है ज्यादा से ज्यादा गाई हुई 16,000 गौ पहाड़ ही गाया हुआ जैसे माउंट आबू पहाड़ है
वो है गौवर्धन पहाड़। बोले हजार गौएं गाई हुई है और उनमें तीन गौएं ऐसी है जिनका बहुत गाय, तो नौ देवियां गाई हुई है, लेकिन फिर भी तीन देवियां कौन सी है? जो भी शास्त्र आते हैं, देवासुर संग्राम हुआ है या जहाँ भी देवियों की चर्चा होती है, उनमें तीन मुख्य देवियां कौन कौन सी? लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। सब पार्वतियां हो, नंबर वार पार लगाने वाली है। और पार्वती की भी परीक्षा ली जाती है, तो पार्वती का चनाई मानी होती है या नहीं होती है? उनको भी चलाई मानी होती है। ऐसे कहा तुम सब सीताएं हो, तो नंबर वार सीताओं को चलाई मानी होती है। ऐसे सीताओं ने दो मुख्य सीताएं बताई, एक रावण के पंजे में आ जाती है, एक योग आदमी में रहती है। ऐसे ही पार्वती के रूप में पार लगाने वाली दो हैं, एक तो है एडवांस की शुरुआत करने वाली, एडवांस ज्ञान में परिवार की जब वृद्धि होती है तब ही होती है जब वो पार लगाने वाली निमित्त बने, और एक है अंतिम स्टेज में प्रत्यक्ष होने वाली पार्वती की रूप में, लास्ट तो फास्ट जाने वाली। पार्वती बहुत है, सीताएं भी बहुत है, उन सब द्रौपदियां, वो द्रौपदियां भी बहुत है, लेकिन राधा एक ही है। और जो एक अव्वल नंबर राधा है वो ही लक्ष्मी बनती है, बाकी के लिए कहा जाता है नारी से लक्ष्मी समान बनेंगी, लक्ष्मी नहीं बनेंगी। तो नारायण भी एक है, फिर सब नारायण नहीं बनेंगे, नारायण समान बनेंगे। तो तीन ही देवियां मुख्य गाई हुई, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। देवताएं कितने गाए हुए? तीन देवताएं गाए हुए, ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शंकर के साथ पार्वती। तो ये जो तीन देवताएं हैं उनकी तीन सहयोगिनी शक्तियों को ही गायत्री के रूप में गाया जाता है।
ये गायत्री मंत्र भक्ति मार्ग में बहुत पावरफुल मंत्र है। क्योंकि ये तीनों देवताओं की शक्तियां हैं। इसलिए गायत्री गाई हुई है। के अंत में जो लास्ट नारायण है, हाँ जी, जो है लास्ट नारायण जो होता है ना, है के अंत में सच्ची के अंत में जो आर्य समाज जी की जीवन है, सच्ची के अंत में, हाँ जी, वो अपना सारे राज्य जो शाहकार रूप में रहने वाले राम जो होते हैं ना, उनको देना पड़ता है। तो प्रेता शुरू होती है, मतलब है तो वहाँ तो स्थूल धन की स्थूल धन होता है, बस मना वहाँ प्रकृति का चेंजेस कैसा होता है, सत्य और श्रेता ही चेंजेस होते हैं ना, बस तो कैसा कैसा होती है स्थूल धन की बात कब शुरू होती है, सारा धन गाँव वाले आप लोग का देना अर्पण करना। मुख्य बात स्थूल धन की है या मुझसे बात ज्ञान धन की है, और ये ज्ञान धन ही तुम्हारे सच्चे रत्न बन जाएंगे जन्म जन्मांतर के लिए। जो यहाँ जितना ज्यादा ज्ञान धन का साहूकार बनता है उतना बड़ा वहाँ जन्म जन्मांतर स्थूल धन का साहूकार बनता रहे। जो लोन लेने वाली बात है वो पहले बेहद में लागू करेंगे या हद में लागू करेंगे, यहाँ की बात है, यहाँ की बात वहां तो आप में चिंता रहता है। हाँ जी, तो क्रिमिनल आई, तो क्रिमिनल आई जो है वो जाति पुरुष का होता है, बाप के मुरली में होता है। यहाँ एडवांस नॉलेज में सभी पुरुष संस्कार वाला है ना, मतलब जहाँ यहाँ जो से स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो सब की क्रिमिनल होता है, ये होता है ना, ठीक है, लेकिन अंतर है। हाँ, अंतर ये है कि जो एडवांस ज्ञान में चलने वाले हैं वो दो प्रकार के, दो प्रकार के हैं माने अंतर तो है। एक प्रकार ऐसा है जिनका पुरुष चोला है, चोला ही पुरुष चले, और एक प्रकार ऐसा है जिनका चोला ही स्त्री है। अब स्त्री चोला होने के कारण आधीनता में किसको रहना पड़ेगा, स्त्री को स्त्री की चोले की मर्यादा रखने के लिए इस कलयुग की दुनिया में कोई न कोई पुरुष के अधीन रहना पड़ता है। तो क्रिमिनल तो दोनों हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजा हैं। इन राजाओं ने जितने बड़े बड़े पाप किए हैं उतने बड़े पाप प्रजावर्ग ने
नहीं किए, लेकिन फिर भी पूर्व जन्मों के कर्मों की ऐसी दात मिली हुई है कि कोई राजाएं तो ऐसे हैं जिनको पुरुषोत्तम संगम युग में अंतिम जन्म में आकर के पाप की आधीनता में आकर के सरेंडर होना पड़ता है। हैं जन्म जन्मांतर के भले राजन, भले क्राइम ब्रांच के राजा हैं, फिर भी उन्होंने कोई ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले पुरुषार्थ है कन्याओं की। ज्ञान में सबसे ज्यादा सहज किसके लिए? कन्याओं के लिए सबसे पहले, और कुमारों के लिए सबसे कठिन है। इसलिए कुमार भी ज्ञान में चल रहे हैं, अधर कुमारियां भी चल रही है, कुमारियां भी चल रही है, अदर कुमारियां भी चल रही है। सबसे ज्यादा पाप के नजदीक पहुंचने के लिए स्वतंत्र कौन है? कन्या स्वतंत्र है, ये भी एक प्लस पॉइंट है कन्याओं के लिए। और ये पूर्व जन्म के ऐसे कुछ कर्म किए हुए हैं जो उनको ये दात मिली हुई। उनका जवाब मिला नहीं मिला? बाबा जो अष्टदेव है ना, अष्टदेव में मतलब है तो प्रबुद्धि का बात आता है। बात नारायणी नारायण को इसलिए बैठते हैं कि बातें करते हैं। जब नारायणी नारायण के पास आती है वो भी सूर्यवंशी बनते हैं तो उसको उसको भी अष्टदेव की लिस्ट में आना है ना, पूरी प्रवृत्ति मार्ग आना चाहिए ना। इनको अष्टदेव कहा जाता है, वो अष्टदेव देवता की कोटि के होंगे ना, ये नहीं होंगे, वो आत्माएं देवता की कोटि की होंगी या उससे नीचे कोटि की होंगी? देवता की कोटि। और देवताएं कितने जन्म लेने वाले होते? 84 जन्म लेने वाले होते, तो हैं तो पक्के देवता। देवता सूर्यवंशियों को ही कहा जाता है और वंशियों को देवता है नहीं कहा जाता। और उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां आती हैं 21 जन्म की, वो नीचे जन्म नीचे वंश से आएंगी या सूर्य वंश से आएंगी? आती कहां से? ओरिजिन कहां से? तो बाप के बच्चे बन करके आते हैं या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के बच्चियां बन करके आती है? ब्रह्मा की बच्चियां बन करके आती है। तो पैदाइश की शक्ति कम है या ज्यादा है?
की पैदाइश की शक्ति कम है, इसलिए अष्ट देव की लिस्ट में नहीं कही जाएंगी। और तीन मूर्तियां हैं, वो तीनों मूर्तियां नंबर बार प्रत्यक्ष होने वाली है। यह सबका एक जैसा नंबर नंबर बार। ब्रह्मा की मूर्ति है, ब्रह्मा के कर्म गाए हुए हैं या ब्रह्मा के वाचा गाई हुई है, तुम्हें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है। तो कर्म के हिसाब से जो भी वाचा चलाई गई ब्रह्मा के द्वारा, उस हिसाब से ये बाप ब्रह्मा भगवान वाच कहा जाता है। कर्म कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं। कर्म का आधार ले तो ब्रह्मा श्रेष्ठ है। क्योंकि हमें ब्रह्मा को फॉलो करना है और वाचा वो भी कर्मेंद्रिय है, वाच तभी होता है जब वाचा से बोला जाए। तो दूसरी मूर्ति है शंकर, वो भी वो वाच करती है या नहीं करती है? वाच तो करती है। लेकिन कर्मों में जो बाप का पास है शंकर के द्वारा, उसको फॉलो नहीं करना है। बल असल रूप में कहा जाता है गीता में भगवान वाच, ब्रह्मा एक मूर्ति तो है लेकिन ऐसी मूर्ति है जो सिद्धि न प्राप्त करने के कारण भक्ति मार्ग में पूरी नहीं जाती, मंदिर नहीं बनते, पूजा नहीं होती, मूर्ति नहीं बनती। और शंकर की मूर्ति भी बनती है, पूजा भी होती है, मंदिर भी बनते हैं। यादगार मंदिर दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में शंकर की मूर्ति के रूप में दो रूप में खड़े हुए, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी डबल पूजा होती है। एक मूर्ति की पूजा होती है शंकर के रूप में और एक निराकारी रूप में भी पूजा होती है लिंग रूप में। तो वो प्रधान मूर्ति तो है लेकिन प्रैक्टिकल में सड़क का गेट खोलने के निमित्त वो मूर्ति नहीं बनती।